ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके लिखो, पहला पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक डिफरेंस जान लेंगे, जिससे थोड़ा मजा आएगा। ओके तो पहला हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम। क्या होता है नर्वस सिस्टम, बताओ जरा। लिखो, वैसा सिस्टम जो जिसमें हमारा शरीर ब्रेन से जुड़ा हो। हाँ लिखो ना, ब्रेन से जुड़ा हुआ हर एक हिस्सा। नहीं, ब्रेन से जुड़ा हुआ हर एक सिस्टम। Why I'm getting so itching, man? क्या लिखे हो? ब्रेन का वैसा पार्ट जो क्या लिख दिए उल्टा पुल्टा, लिखो ना। नर्वस सिस्टम को हम लोग ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, बात खत्म। तो ब्रेन के अंदर जो भी चीज है वो क्या है, नर्वस सिस्टम। अब अगला क्या है हमारा, हाँ अगला लिखो, सेरेब्रम क्या है। ब्रेन कितने के होते हैं, ब्रेन के होते हैं तीन पार्ट, एक होते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम और मेडुसा। सेरेब्रम और मेडुसा, अब एक लाइन से लिखो। पहला क्या है हमारा, सेरेब्रम। देखो ये क्या होता है, सबसे बड़ा भाग, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो डोम शेप में आई नोज को कंट्रोल करता है। और इसी में याददाश्त हमारा होता है। सबसे ऊपरी भाग क्या है ब्रेन का, ही तुम्हारा पार्ट जो है, क्या बोलेंगे इसको, हटाओ इसको, लिखो यहाँ पर, और याददाश्त का काम तो आप जो बोले करता है, कंट्रोल करता है, यहाँ कंट्रोल भी करता है और याददाश्त का काम भी करता है। लिखे ना, कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल हो तो गया, ना खराब हो गया। अच्छा तो घर लिख लेना, समझ गई ना। तो सेरेब्रम क्या है, दिमाग का सबसे पहला पार्ट और सबसे बाहरी पार्ट जो की शेप का हो, जो की शेप का होगा, डोम शेप का होगा, ठीक है। और इसका मेन कारण है कि इससे तुम याददाश्त, CONTROL, हाँ तो किस कोई भी इंसान तुम्हारा माथा मारेगा यहाँ पर सेरेब्रम में, ये क्या है तुम्हारा, CONTROL, बस समझ जाओगे, सब समझ जाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ब्रेन का सबसे बाहरी भाग क्या है, ये सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है वो काफी यार डोम शेप का होता है, सेरेब्रम में ही ये दिखा तो सेरेब्रम, इसी से कान जुड़ा हुआ, आंख जुड़ा हुआ, नाक जुड़ा हुआ है, यही इस पूरे पार्ट को कंट्रोल करता है, इसी से हमारा याददाश्त भी चलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला क्या है हमारा, सेरेब्रम। देखो सेरेब्रम क्या होता है, यह मसल मूवमेंट में, यह मांसपेशिया यानी मांस पेशी
पेशी मांसपेशी को कंट्रोल करता है। मांसपेशी मतलब मसल्स को। तो सेरेब्रम क्या करता है? मसल्स को कंट्रोल। याददाश्त किसे कंट्रोल होता है? सेरेब्रम से। और हमारा जो हाथ मूव किसे कंट्रोल करता है? मसल्स किससे मूव करता है? सेरेबेलम के कारण। किसे कारण? सेरेब्रम के कारण। और हाथ जो है उसमें मांस है ना, है मांसपेशियां ना है, तो हाथ किससे मूव करता है? सेरेब्रम से। याद रहेगा तो सेरेब्रम से हाथ पैर मुंह नाक मूव करता है, ठीक है ना, मुंह नाक भी। अब अगला है मेडुला। मेडुला क्या लिखो? यह ब्रेन और स्पाइनल कोड को जोड़ता है। स्पेलिंग स्पाइनल कोड SPINALCORD। यह ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या करता है? जोड़ता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? याद रहेगा। और इनवॉलेंट्री पार्ट कंट्रोल करता है कौन? मेडुला। इनवॉलेंट्री पार्ट क्या होता है? जिसे कंट्रोल ना कर सके। हाँ, तो कौन कौन होगा बोलो? ब्रेन। यार ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है, कौन होगा बताओ ना उसके उसमें ब्रेन जो कंट्रोल ना कर सके। कौन से बॉडी पार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? और किडनी है, लीवर है, इंटरनल किसी पार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है? स्पाइनल कोड। देखो जब हमें कोई पीटता है तो ये तुरंत ब्रेन को सिग्नल देती है। पता है तुमको कोई चांटा खींच के देगा तो ब्रेन को पता करने में कि तो मारा है, उसको पता करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन स्पाइनल कोड तुरंत में तुरंत ब्रेन को सिग्नल दे देता है कि रे तू मारा है, तुम वहां से हाथ हटाओ। ब्रेन को सिग्नल देता है SIGNAL सिग्नल देता है। अगला है नर्वस। देखो नर्व्स दिमाग ब्रेन वाला, ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला सेल पाया जाने वाला सेल अगला क्या है? ये भी क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड को जोड़ता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड को जोड़ता है, लिखो, और तुरंत मैसेज देता है कि तुमको कोई मारा है। ब्रेन और स्पाइनल कोड को जोड़ता है। इसका लिखो, मोटर नर्व्स का लिखो। यह स्पाइनल कोड और मसल्स को जोड़ता है। स्पाइनल कोड भी क्या है? ब्रेन का ही पार्ट है, याद रहेगा ना। कोड और ब्रेन को जोड़ता है।
अगला लिखो, नेक्स्ट नाम से ना लिखो, ब्रेन से मैसेज लेकर जाना या उसको उसके पास मैसेज देना ही मिक्स नाप कहलाता है। लिखो लिखो लिखो, ब्रेन ब्रेन को मैसेज भेजना, एमएसजी समझ जाओगे हाँ, ब्रेन को मैसेज भेजना और मसल्स को ऑर्डर देना क्या कहलाएगा, मतलब इसमें मैसेज ब्रेन में जाएगा, ब्रेन वापस से सिग्नल देगा कि ये काम करो, इसे क्या बोलते हैं, मिक्स नाव। ये दिखा तुमको पूरा मिक्स नाव। आगे लिखो, आगे पढ़ो, अगला है रिफ्लेक्शन एक्शन, रिफ्लेक्ट एक्शन। देखो जब आपको कोई पीटता है तो आप तुरंत जब तुरंत रिस्पॉन्स करते हो, तुरंत रिस्पॉन्स करते हो, RESPONSE करते हो, PONSE करते हो, यही क्या बोलते हैं। तो स्टडी बोलो, नर्वस सिस्टम क्या होता है सर, ब्रेन में जितना भी पार्ट आ गया उसको क्या है, नर्वस सिस्टम हो गया, ब्रेन से रिलेटेड पार्ट। सेरेब्लम क्या करता है, याददाश्त काम करता है, सेरेब्लम हमारे बॉडी के हाथ पैर को मूव करने में हेल्प करता है। मेडुला जो होता है वो स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है जो कि शरीर में हर एक इंफॉर्मेशन को भेजता है। फिर स्पाइनल कोड क्या है सर, स्पाइनल कोड तुरंत मैसेज देता है हमारे दिमाग को कि आपको कोई पीट रहा है या आपको कोई शरीर को टच कर रहा है। हमारे दिमाग को सबसे फास्ट मैसेज कौन देता है, तो स्पाइनल वो कहाँ होता है, बैक बोन में होता है, पता है ना। फिर है नर्व्स क्या होता है, ब्रेन में जो सेल्स क्या बोलते हैं, नर्व्स, सेंसरी सेल। सर हमारा ब्रेन का वैसा नर्व्स जो तुरंत क्या कर ले, सेंस कर ले, और वो ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या करता है, जोड़ता है। फिर मोटर नर्व्स, सर ब्रेन का वैसा पार्ट जो हमारे बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, या फिर ब्रेन का स्पाइनल कोड, या ब्रेन जब स्पाइनल कोड और मसल क्या हो, आपस में जुड़ा हो, मतलब कि ब्रेन का वैसा पार्ट जो हमारे हाथ पैर को मूव करने में, उसे क्या बोलते हैं, मोटर नर्व्स। और क्या होता है, कभी कभी हम जो होता है हमारा दिमाग को सिग्नल देना कि बाहर को तुमको पीट रहा है, और तुरंत में वहां से हाथ हटा लेना क्या कहलाता है, मिक्स नर्व्स। रिफ्लेक्सेशन क्या होता है, जब तुमको पीटता है तुम वहां से तुरंत हाथ हटा दो, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। कोई दिक्कत यहां तक, तो आगे क्या है, सेंस ऑर्गेन जिससे हम कुछ फील कर सकते, वैसा बॉडी पार्ट जिससे हम कुछ फील कर सके, हाँ लिखो, वैसा बॉडी पार्ट जिससे हम महसूस करें, क्या करें, जिससे हम कुछ महसूस करें। अगला लिखो, कॉर्निया क्या होता है, देखो कॉर्निया आंखों का लेंस, आंखों का बाहरी लेंस, तो क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्यूपी लिखो, आंखों के अंदर वाला गोल बिंदु,
अगला क्या है? आइरिस। अरे आंख का गोल गोल वो होता है ना, देखो ना ये आइरिस बोलते हैं, आंख को बोलते हैं गोल आंख, आंख को ही आइरिस कहते हैं। लास्ट है लेंस। लेंस जानती है, लेंस किसका आता है? लेंस किसी चीज को छोटा सा बड़ा बड़ा छोटा करना होता है। रेटिना, लिखो रेटिना। रेटिना, इसमें रेटिना आंख के पीछे पाई जाती है, इसी में हमारा फोटो बनता है, लिखा हुआ है उसमें। अगला वही है, अगला नहीं। लेंस छोड़, लेंस मत लिखो, अगला लिखो रेटिना। लेंस तो तू याद ही रहेगा रेटिना। अरे लेंस क्या होता है, लिखो शीशा का टुकड़ा जिसका यूज हम लोग देखने के लिए करते हैं। शीशा का टुकड़ा जिसका यूज हम लोग चश्मा में करते हैं। अगला अगला क्या है? ऑप्टिक्स नर्व्स। ऑप्टिक्स मतलब होता है आँख, ऑप्टिक्स मतलब नर्व्स होता है ये ब्रेन सेल। तो लिखो आँखों में, आँखों के अंदर वाला नर्व्स। अरे नर्व्स उस नर्व से जैसा होता है बट वो पतला बोल होता है, ब्रेन का नर्व होता है। अगला आंखों के सबसे पिछला, आंख का सबसे पिछला भाग जिसमें फोटो बनता हो। जिसमें क्या बनता हो? फोटो बनता हो। लाओ कभी दिखाओ, शो मी कॉपी। थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे ध्यान दो, और काफी हद तक देखा जाए तो बहुत सारे मिस्टेक्स भी हैं। ठीक है, बढ़िया है। अब हम लोग एक एक करके आगे रीडिंग करके पढ़ेंगे, क्या बोलते हो? ठीक है, ध्यान समझना, अब जब बोलूँगा तो इसको स्क्रॉल कर देना। ठीक है, देखो आ गया, आ गया। देखो ध्यान समझो, बोल रहा है कि नर्व सिस्टम क्या होता है। तो नर्व सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसको, नर्व सिस्टम क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक खुद का एक सिस्टम है, ब्रेन का खुद का एक सिस्टम है जिसको क्या बोलते हैं, नर्व सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, स्पाइनल कोड आते हैं, सेंसरी नर्व्स आते हैं, मोटर नर्व्स आता है, और मिक्स नर्व आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? इसमें क्या होता है ना कि हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को एक सिग्नल देता है कि तुम्हारे शरीर को ये काम करना है, लेकिन हमारा ब्रेन जो होता है ना वो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी स्लो होता है, जिस कारण से हमारे बैकबोन में एक स्पाइनल कोड होता है जो तुरंत मैसेज भेजने का काम करता है। क्या करता है, क्या रहेगा, जब तुमको कोई पीटता है ना, पीटेगा, पीटने के बाद तुमको दर्द होगा, वो तुमको 5 मिनट बाद पता चलेगा। क्यों पता है तुमको? क्योंकि कारण ये होता है हमारा दिमाग बहुत स्लो है, लेकिन हमारा स्पाइनल कोड तुरंत बोलता है दिमाग को कि आपका, आपको किसी ने पीटा है, फटाफट उसको रिस्पॉन्स करो। समझ में आ रहा है मेरा बात? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है क्यों? और देखा जाए तो ब्रेन का 3 पार्ट होता है, सेरेब्रम, सेलेब्रम और मेडुला। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो यहाँ पर ध्यान समझना, ब्रेन जो होता है, ब्रेन देखो ये हमारा क्या है, ध्यान समझना, ये क्या है हमारा ब्रेन, क्या है ये हमारा ब्रेन,
ब्रेन का 3 पार्ट होता है, बोलो कौन सा है? पहला बोलो सेरेब्रम, दूसरा क्या है? सेरेबेलम, और लास्ट क्या है हमारा? मेड्यूला। क्या हमारा? मेड्यूला। अब देखो होता क्या है, सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्लम क्या होता है, मेडुला क्या होता है। देखो सेरेब्रम क्या करता है, हमारे बॉडी में सारा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कि हमको बोलना है, चलना है, कि मतलब कि हमको ब्रेन का जितना सबसे बाहरी भाग क्या है, सेरेब्रम है, इसमें ही हमारा क्या होता है, मेमोरी होता है। क्या होता है? मतलब याददाश्त होता है, कोई चीज़ मुझे याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो कौन साइड करेगा? सेरेब्रम। उसके बाद हमारा बॉडी को काम करने की अनुमति कौन देता है? सेरेब्लम, याद रहेगा? तो हमारे शरीर को काम करने की अनुमति कौन देता है? सेरेब्लम। फिर आता है मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है पता है तुमको? हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पार्ट है जिसको हमारा ब्रेन, मतलब कि देखो होता क्या है, हमारे जो याददाश्त है, याददाश्त काम करेगा सेरेब्लम, और मसल को मूव करने का परमिशन कौन देगा? सेरेब्लम। और मेडुला करता है वो इनवॉलेंट्री पार्ट को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, मतलब कि शरीर का वैसा पार्ट जैसे किडनी लीवर जो हो गया, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का पावर किसके पास है? मेडुला को। और हम अपने मेडुला कंट्रोल नहीं कर सकते, यही कारण है कि मेडुला हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, यही कारण से किडनी लीवर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डिड यू गेट माय पॉइंट? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? समझ गए पक्का ना? आर यू श्योर? इसको डाल दे ग्रुप में। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसी में, नर्व्स क्या होता है? कैन यू गेस नर्व्स क्या होता है? ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला सेल। ये होता है 3 टाइप का, एक होता है सेंसरी, कौन सा होता है? सेंसरी। अगला होता है मोटर, क्या होता है? मोटर। और लास्ट क्या है हमारा, याद देखो, मिक्स्ड। क्या है? मिक्स्ड, याद देखो। अब सेंसरी पार्ट क्या करता है, जब हमको पीटता है ना, तो तुरंत में रिस्पॉन्स करना है, ये कौन बताएगा? सेंसरी। और उस बॉडी को हाथ को, मान लो कि तुमको जब चांटा कस के घींच के दिए, तो चांटा घींच के दिए वो तुमको कौन बताएगा? सेंसरी। और तुम मुंडी को तुरंत हटाओ, उस हटाने के ऊपर उसे कौन देगा? मोटर, मोटर से जोड़ गए, ठीक है ना? और लेकिन ये जो है मिक्स में, इसमें सारा मिक्स है, मतलब सारा काम साथ में। जो काम कौन करता है हमारा? ब्रेन करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्की बात ना? आर यू श्योर? 100% माँ कसम, पक्का ना? नहीं। तो नर्व्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। कौन कौन से? सेंसरी, मोटर, मिक्स। सेंसरी क्या करते हैं? वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपको, मतलब कि आपको किसी ने पीटा है, टच किया, ऐसा कुछ। लेकिन बाद में ब्रेन जो होता है सिग्नल देता है कि अब तुम उसको भी खींच के, मतलब हाथ को मूव करने का परमिशन कौन देता है? मोटर नर्व्स। इसलिए कहते हैं हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना हमारा सारा पार्ट जो है ना, वो ब्रेन से ना जुड़ के किससे जुड़ा होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। कारण ये है कि ब्रेन हमारा बहुत स्लो है, जब तक ब्रेन डिसाइड करेगा तब तक हमारा कुमार चल जाएगा आदमी। यही कारण है कि हमारा सेंसरी में वैसा पार्ट जो सेंस करने के लिए किससे जुड़ा हो, अब मोटर में क्या होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा हो, मसल से, और इसमें जो ये ब्रेन जुड़ा हो, जुड़ा हुआ ब्रेन से। हाँ, याद रहेगा? पक्की बात? 100%। ओके, तो आगे देखे, मजा आया इसमें? ये सारा चार्ट को घर से बना लेना, इसमें क्या आएगा तुमको भी मजा आएगा। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? पक्की बात है, कसम से दिक्कत नहीं है। है दिक्कत नहीं। अब आता है आँख के बारे में,
हम एक बार में चैप्टर का ओवरव्यू देता हूँ, तुम समझ में मजा आएगा तुमको। आई के बारे में, आई में कुछ पार्ट होता है, पहला होता है आइरिस। आइरिस क्या होता है बता सकते हो? अरे गोल आंख होता है, हाँ। वही क्या है आइरिस। फिर आता है कॉर्निया। क्या आता है? कॉर्निया। बता सकते हो कॉर्निया क्या होता है? आंख के बाहर एक लेंस होता है, हाँ। सो क्या बोलते हैं? कॉर्निया। फिर आता है प्यूपिल। क्या आता है? प्यूपिल। आंख के अंदर एक बिंदु जैसा होता है, क्या बोलते हैं? प्यूपिल। कोई दिक्कत ना, पक्का ना? अब फिर हमारा रेटिना। क्या होता है? रेटिना। रेटिना आंख देखे हो, आंख के पीछे ही जो ये क्या है, रेटिना। इसमें क्या बनेगा? फोटो। किसी भी चीज का फोटो। कोई दिक्कत नहीं ना, कसम खा के बोलो दिक्कत नहीं है तो। बोलो, समझाओ मुझे इसी बात पे। आंख का कितना पार्ट? चार। कौन कौन सा? आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना। आइरिस क्या करता है? गोल गोल जो आंख है निकालोगे वही क्या है हमारा? आइरिस। फिर आंख के बाहर जो पतला लेंस है तो क्या बोलते हैं? कौन क्या है? कॉर्निया। उसके बाद जो आंख के अंदर एक बिंदु होता है काला काला टाइप का, और रेटिना क्या होता है? आंख के जस्ट पीछे एक फोटो बनता है, उसको क्या बोलते हैं? वो दिक्कत नहीं ना, पक्की बात 100%। डिड यू गेट माय पॉइंट? मजा आ रहा है? ठीक है, अब चैप्टर हमारा खत्म हो गया, अब हम रीड कर ले। हाँ, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसमें अब चैप्टर कुछ नहीं बचा है। अब हम लोग रीड करते एक लाइन से क्या बोल रहा है। तो डिचो आप रीड करो फास्ट, चल रीड करो फास्ट। हाँ रीड करो फास्ट करो उसका। चैप्टर 10 आवर नर्वस सिस्टम। एक मिनट रुक जाओ, चलो स्टार्ट करो रीडिंग करो। चैप्टर 10 आवर नर्वस सिस्टम। डू यू फील एक्साइटेड व्हेन योर स्कूल टीम इज अबाउट टू विन? व्हेन यू फील एक्साइटेड or nervous our body because tense or this is because our nervous system because overactive। समझे मतलब क्या बोल रहा है? जब भी तुमने देखा होगा तो स्कूल जाती होगी तो तुम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होती होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुम दोस्तों का मिल के तुमको जब कोई टीम बनता है ना तो वहाँ पर टीम में नर्वस हो जाती है। तुमने नोटिस किया? काफ़ी तुमको क्या होता है, टेंशन हो जाता है, हाँ। जिस टेंशन के कारण तुम उस काम को बिगाड़ लेते हो ओवरथिंकिंग करके कि नहीं मैं मुझसे कैसे होगा, ये भगवान भगवान कैसे होगा, नहीं होगा कैसे, डर के मारे काम को बिगाड़ लेती हो ना, हाँ। तो यही कारण है कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन इसको सिग्नल दिया ना, हाँ। ऐसे फिर आगे बढ़ो, क्या बोल गया? The brain, the spinal cord and the nerves from the nervous system. Our nervous system contact all the other system of body. Very good. मतलब हमारा शरीर का जो पूरा पार्ट कंट्रोल कौन करता है? Nervous system. But nervous system को कंट्रोल कौन करता है? Brain, spinal cord. दोनों ही करते हैं, लेकिन fast कौन करता है? Fast spinal cord. हाँ, हमको दोनों याद रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना, पक्की बात। हाँ। The brain is the control center of the human body. It receives information from all the parts through different nervous and adult human brain weight about 1.4 kg and control and contain millions of the tiny cells. It is protected by hard bony skull. The space between the brain and the fluid serves as a crutches against jerk and injury. Our brain is made up three different parts. Each part has its own work to do. The largest part of the brain is cerebrum.
मतलब समझे क्या बोला आप? इसमें ये कह रहा है कि हमारा आपका जो ब्रेन है ना, वो आपके शरीर को अलग अलग सिग्नल देता है। कभी कभी हम लोग अपने ब्रेन को एक्सीडेंट के द्वारा अपने ब्रेन को डैमेज कर लेते हैं, जिस कारण से रिपेयर होने में काफ़ी हद तक दिक्कतें आती है और हम लोग आगे जाके एक हद तक हमें वो बीमारी हो जाती है और वो रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन एक हद तक हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए हमारे भगवान ने हमें क्या दिया है, एक हड्डी वाला स्कल दिया है, माथा दिया है, जो कि दिमाग को बचाता है। लेकिन स्टिल कभी कभी हम लोग इंजरी के दौरान पे उसको डैमेज कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमारा ब्रेन जो होता है उसका 3 पार्ट होता है, बोलो, सेरेब्रम, सेरेब्लम, मेडुला। कौन पार्ट है? मेडुला, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एक लाइन से, देखो उस ब्रेन को देखो, यहाँ से हमारा, ठीक है, स्टार्ट करो। Converted पहले ब्रेन की पिक्चर को देखो, ब्रेन के पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है तुमको? सबसे बड़ी बात क्या है? सेरेब्रम। हाँ। उसके अंदर सेरेब्रम, उसके अंदर मेडुला। मेडुला, वेरी गुड, आगे बढ़ो। कॉन्टेक्ट विद, कवर्ड विद द डीप रिज एंड ग्रूव, मतलब कि कवर्ड किससे है? रिज्ड एंड ग्रूव से। आगे कंट्रोल द वॉकिंग ऑफ फोर control the working of our eyes, its eyes, ear, nose and throat. It also contains our control voices. It is the center of intelligence. We can think, let's remember and erase because of the cerebrum become the below the cerebrum is the cerebellum. And makes the work through together it helps us to balance our body and keep us in an upright posture. If the cerebellum does not function properly, our body's movement becomes jerky. Our body bones become jerky. ठीक है, आगे पढ़ो। Beneath the scalp's line, beneath the cerebellum lies bulbs shape में medulla connected the brain to the spinal cord. It contact internal, it control involuntary action like the movement of lungs and the heart to medulla. The medulla is active even when we sleep. हाँ, the brain needs a contact super of blood and oxygen a person fenced if his heart is not available to sit in dry blood enough blood his brain we must get in sleep and rest to our brain. क्या आपने समझा इसमें क्या बोलना चाहा? इसमें ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो किससे ढका होता है? तो हमारा जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं सेरेब्लम से ढका हुआ है। सेरेब्लम जो होता है वो किस शेप का होता है? तो याद रखना, सेरेब्लम डोम शेप का होता है। फिर से, सेरेब्लम जो होता है वो किस शेप का होता है? तो सेरेब्लम जो होता है वो हमारा होता है किस शेप का? तो याद रहेगा, इसको याद रखना, ठीक है। हाँ, एक डोम शेप हो गया और ये हमारा नॉर्मली देखा जाए तो बल्ब शेप है। मेडुला किस शेप का है? बल्ब शेप, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब इसमें बोलना क्या चाह रहा है, हमारा जो सेरेब्रम जो होता है, ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन कंट्रोल करता है पूरे शरीर को। अब ब्रेन का 3 पार्ट होता है, सेरेब्रम, सेरेब्लम, मेडुला। सेरेब्रम जो होता है वो डोम शेप का होता है और सेरेब्रम जो होता है वो आउटर पार्ट है जो कि हमारे याददाश्त को कंट्रोल करता है। और हमें आँख कान को कंट्रोल कौन करता है? सेरेब्रम। और उसके नीचे का जो पार्ट है, ब्रेन के नीचे का पार्ट, हाथ, पैर, मुंह, नाक हो गया, इसको मूव करने में कौन हेल्प करेगा? सेरेब्रम। फिर बाद में आता है मेडुला। मेडुला क्या करता है? वो हमारे इनवॉलेंट्री पार्ट को कंट्रोल करता है।
एक बात पता है, जब हम सो जाते हैं नींद में तब भी मेडुला काम करता रहता है, कौन पार्ट, लेकिन सेरेब्रम और सेरेब्लम काम नहीं करता है। कोई दिक्कत, कभी कभी हम लोग काम करते हैं तो बहुत हद तक थक जाते हैं, तो उस टाइम हमारे ब्रेन को ज़्यादा खून का सप्लाई नहीं हो पाता, जिस कारण से हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम रेस्ट करना चाहिए या फिर सो जाना चाहिए, जिस कारण से हमारे ब्रेन तक वो ब्लड सही सलामत पहुँचे और हमें ज़्यादा दिक्कत ना सहना पड़े। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब आगे पढ़ो। The spinal cord extends forms the basis of the brain to the almost lower end of the backbone. It includes inside the tough and the bony but flexible spine. It connects the rest of the body to the brain through the nerves. क्या समझे इसमें कुछ? हाँ, ये जो होता है हमारा जो स्पाइनल कोड है वो काफ़ी एक्सटेंड है, बेस फॉर्म में होता है, और वो नॉर्मली क्या होता है, हमारे ब्रेन से जुड़ते हुए नीचे तक आता है, कौन, स्पाइनल कोड। और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक फ्लेक्सिबल होती है, क्या होती है, उसमें हड्डी तो पाई जाती है लेकिन वो फ्लेक्सिबल मतलब ऐसे ऐसे मुड़ जाती है, देखिए रियल में, हाँ नहीं देखे ब्रेन का पार्ट, ये है पार्ट, ये होता है अपना, यही है स्पाइनल कोड, ये मूव कर जाता है, नहीं करता है, ठीक है। तो स्पाइनल कोड क्या है, स्पाइनल कोड जो होता है ब्रेन से जुड़ा हुआ ऐसा भाग जो फ्लेक्सिबल हो और जिसमें हड्डी लगा हुआ, हड्डी से इनक्लोज हो, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो, उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट मैसेज देता है हमारे ब्रेन को, ठीक है, आगे बढ़ो। नमस्कार, नर्व्स आर लॉन्ग थिंग लाइक लंग्स, एक मिनट सॉरी, हाँ पर नर्व्स के बारे में, नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक, थ्रेड मतलब होता है याद रखना धागा, क्या होता है थ्रेड इन द सेंस धागा, क्या होता है धागा। तो हमारा जो ब्रेन है ना, नर्व्स जो है वो दिमाग में किस तरह फैल रखा है, धागा के जाली की तरह, पढ़ो आगे। नर्व थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेट कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, नर्व फॉर्म रीजन ऑफ द हेड एंड द नेक जॉइन ब्रेन डायरेक्टली, हाउएवर नर्व फॉर्म्स द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जॉइन ईच अदर साइड द स्पाइनल कोड, द स्पाइनल कोड टू द ब्रेन नर्व मेड्यूला मेड अप ऑफ बंडल फाइबर। तो याद रखना हमारा जो नर्व्स है वो बहुत सारे बंडल फाइबर से बन रखा है। तो सीधी बात ये है कि इसमें हमने ये पढ़ा कि नर्व्स जो है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और नर्व्स कैसे होता है, तो धागा जैसा, कैसा होता है, धागेदार जैसा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब नीचे कुछ पार्ट है नर्व्स के, उसको पढ़ो। काइंड्स ऑफ नर्व्स, there are three kinds of nerves. पहला क्या है, सेंसरी नर्व्स, दूसरा क्या है, सेंसरी नर्व्स मोटर नर्व्स, थर्ड क्या है, मिक्स नर्व। अब सेंसरी नर्व्स क्या होता है, दे नर्व्स व्हिच ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम द स्किन ऑर्गन ऑफ द ब्रेन और द स्पाइनल कोड आर कॉल्ड सेंस नर्व्स, मोटर नर्व्स, दे नर्व्स विच कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कोड टू द मसल्स ग्रेन्स आर कॉल्ड मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स द नर्व्स विच कैरी मैसेज टू ब्रेन एज वेल वेल अस ब्रेन। मतलब समझे क्या बोला आप? इस पूरे चैप्टर में कहने का तात्पर्य आपका ये था, इस पूरे चैप्टर का कहने का तात्पर्य ये था कि पूरे चैप्टर हमने पढ़ा ब्रेन का तीन टाइप होता है, नर्वस सिस्टम तीन टाइप का होता है, आपका चार पार्ट होगा, क्या पढ़ा हमने, चार पार्ट, ब्रेन कितना पार्ट, तीन, कौन कौन सा, स्पाइनल, सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेडुला, और नर्व्स कितने टाइप का, नर्व्स तीन, कौन कौन से, सेरेब्रम्स, सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स। अब सेरेब्रम क्या करता है, हमारे दिमाग को याददाश्त, अब देखो होता क्या, मैं बताऊं तुमसे, हमें चैप्टर पढ़ा क्या,
इस चैप्टर में पढ़ा कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो काम करने के दौरान हम लोग कभी कभी अपने हेड को इंजरी कर लेते हैं, तो उस इंजरी से बचने के लिए हमारे भगवान ने हमें एक माथा दिया है। क्या दिया है? माथा दिया है, उस माथा को हम लोग स्कल कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इंजरी के दौरान पर उस स्कल को भी डैमेज कर लेते हैं, बट स्कल के अंदर जो ब्रेन होता है उसके अंदर छोटा सा भी चोट लगने के कारण लॉन्ग टाइम तक आपको रिपेयर नहीं हो पाते। जब तक आपका हाथ कट जाएगा तुरंत वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्रेन का ठीक नहीं होता है, बहुत ना के बराबर, ठीक है। फिर बात बोला कि हमारा ब्रेन जो होता है उसका तीन पार्ट होता है, सेरेब्रम, सेरेब्लम, मेड्यूला। सेरेब्रम क्या होता है? ये हमारे याददाश्त में हेल्प करता है, मतलब मेमोरी कंट्रोल करता है, और आँख, कान, मुंह, नाक को भी कंट्रोल कौन करता है? और हम लोग बोल भी किसी कारण पाते हैं? सेरेब्रम। फिर है सेरेब्लम। सेरेब्लम क्या करता है? हाथ पैर को कंट्रोल करता है, कौन? सेरेब्लम। कौन? तो हमारा मेमोरी कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्लम। सेरेब्रम हाथ पैर को, सेरेब्लम। और दिल को कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। और हमारे अंदर हमने पढ़ा नर्व्स के बारे में, नर्व्स क्या होता है? ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला सेल। तो ब्रेन के अंदर तीन टाइप के सेल पाए जाते, कौन कौन सेल है? सेंसरी सेल नर्व्स, मोटर सेल नर्व्स, या फिर मिक्स सेल नर्व्स। सेंसरी सेल नर्व जब कोई टच करता है, पीटता है, तो हमारा दिमाग सिग्नल देता है कि तुमको पीट रहा है। मोटर नर्व जब आपको पीटता है तो आप दोबारा उसको हाथ चला के मारते हो या दोबारा जवाब देते हो, वो सिग्नल कौन देता है हमें? मोटर नर्व। और दोनों को ही साथ में क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड नर्व। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्की बात? गुड। उसके बाद ये लास्ट पेज पढ़ लिया, उसके बाकी हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पढ़ो क्या बोल रहे हैं, पढ़िए क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़िए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एक मिनट को कंट्रोल, एक मिनट, चलो स्टार्ट करो। वी डू नॉट हैव अ थिंग बिफोर डूइंग दैम, दिस एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। कहाँ लिखा हुआ है? सच एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। सच एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। फ्रॉम एग्जांपल, व्हेन आवर finger comes to close to a hot object, this central nerve, sensory nerves, immediately passed message to the spinal cord. The spinal cord sends orders through the motion to the motor nerves and to the muscles to tighten up. आगे We pull our hand away from the hot object even the before we feel the pain. Blinking of the eye and the watering mouth are the two main example of the reflex action. तो reflex action का दो main example क्या है? तो blinking and watering of eye, मतलब कि आंखों से आंसू आना या आंखों का झपकना, ये क्या है उसका example है। आई होप तुमको याद समझ आया होगा। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब तुमको जो कोई पीटता है, जब तुमने गर्म चाय को छुआ है कभी, तो क्या किया होगी? जैसे उस पर हाथ टच किए तुम, तो वही क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे तुमने उसको टच किया तो ब्रेन को सिग्नल दिया कि वो गर्म है, तुम हाथ हटाओ। तो ब्रेन को सिग्नल दिया कौन? सेरेब्रम। और सेरेब्रम ने सिग्नल दिया मोटर नर्व सिस्टम को, तब जाकर तुमने वहाँ से हाथ हटाया, वरना सटलेट हो जाती है। अब पढ़ो सेंस ऑर्गन क्या होता है, पढ़ो 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 द सेंस ऑर्गन। द सेंस ऑर्गन इज कनेक्टेड टू अस टू द आउटर साइड वर्ल्ड एंड नोन एज सेंस ऑर्गन। द फाइव सेंस ऑर्गन आर the eyes and the ear, the nose, is through the tongues and the skin.
आईलैश, अरे हमारा जो आँख है ना वो आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने हमें भौं दिया है, आईलैश दिया है और आईलिड दिया है, तो जानती हो मेकअप करे में दिस हैव अ कीप डस्ट एंड डर्टी डर्ट आवर डर्ट आउट ऑफ आवर आईज। आगे इन द फ्रंट ऑफ पोर्शन ऑफ द आई देयर इज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट कॉल्ड कॉर्निया एंड द कलर्ड सर्कल इज इन द आईडीज। मतलब हुआ क्या कि आंखों का कलर्ड पार्ट जो होता है ना गोल गोल, इसको क्या बोलते हैं, आईडीज बोलते हैं। कॉर्निया क्या है, आंखों के अंदर जो लेंस पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। अब पहली बात कि लेंस क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ही होगा ना, ट्रांसपेरेंट मतलब लेंस के आधार पर देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था आई के बारे में। तो आँख का काम क्या होता है, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को देखना। अब इसमें तुम्हारा दे रखा है कॉर्निया प्यूपिल आइरिस। कॉर्निया क्या होता है, पूरा आँख क्या है, कॉर्निया है आँख के अंदर जो बिंदु से क्या बोलेंगे, प्यूपिल, और जो आँख का लेंस उसके क्या बोलेंगे, आइरिस। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई जो आँख का जो नर्व्स उसको बोलेंगे ऑप्टिक नर्व्स, और पीछे जो फोटो बनता है उसको बोलते हैं रेटिना, एंटीना से याद करना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया 100% पक्का ना। स्टार्ट करो, ब्लैक स्पॉट एंड वेरी गुड। मतलब कि हमारा जो आई लेंस होता है ना, आई लेंस जो होता है वो क्या करता है, वहाँ से एक सेंसरी नॉब्स होता है। देखो हमारे आंखों में एक नॉब्स होता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिक नॉब्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक, कोई बड़ा चीज ना है। और दांत में होता है डेंटल नॉब्स। वेरी गुड। अब आंखों का केयर कैसे करें, पढ़ो, केयर ऑफ आई, वी मस्ट ट्राई अवॉइड एनी काइंड्स ऑफ इन, रुको, बोल रहा है वी मस्ट अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी और टू आवर आईज फॉर दे फॉलो दिस रूल्स। मतलब हमारे आंखों के लिए कुछ इंजरी से बचने के लिए हमें कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। पहला क्या बोल रहा है, वॉश योर आई रेगुलरली, मतलब डेली अपने आंखों को, मतलब डेली अपने आंखों को वॉश करते रहें। वेरी गुड। डू नॉट वॉक इन डिम लाइट और इन वेरी लाइट एंड डिस्ट्रॉयज आवर आईज, डिस्ट्रॉयड आवर आईज एंड लेट फॉल एंड द लेफ्ट साइड रीडिंग मटेरियल। कभी भी ज़्यादा लाइट या कम लाइट में हमें पढ़ना नहीं चाहिए, जिससे हमारे आँखों में मतलब आँखों को बहुत दिक्कतें होती है, जोर पड़ता है। नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल्स, मतलब विल स्टैंड यू आई, मतलब व्हीकल्स, गाड़ी में कभी भी चलते हुए गाड़ी में आँखों से पढ़ाई ना करे, आपके आँखों में स्ट्रेन आ सकता है। Always stick all always seat all at 6 feet from the television, मतलब हमेशा टीवी से 6 feet की दूरी बनाए रखें। Do not watch TV or play games on the computer for long period, ज़्यादा देर कंप्यूटर पे या टीवी पे गेम टीवी ना देखें। Do not read while the lips lying down, sit erect and hold the book about the foot away from our eyes. मतलब क्या बोल रहा है, जब भी आप लोग do not reading, कभी भी नहीं, ये पढ़ने टाइम में नीचे नहीं बैठो, ठीक है ना, या फिर sit erect and hold about the foot away from your eyes, और
सिट इरेक्ट एंड होल्ड बुक, क्या करो कि अच्छे से बैठो और बुक को सही से रखो अपने पैर पे, तब जाकर उसको पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से आँख पे जोर रखना नहीं पड़ेगा, ना बुक को नज़दीक से ना बुक को दूर से पढ़ना चाहिए। सही तरीका है नीचे बैठ के पालथी मार के उसको रख के अच्छे से पढ़ो। आगे बढ़ो। Near up your eyes with a dirty towel and dirty hands. This can cause infection. Do not use any else towels or handkerchief if you have eye infection. तुम्हारे आंखों में जब भी इन्फेक्शन हो तो किसी दूसरे का हैंकी या टॉवल यूज ना करें, गंदा टॉवल यूज ना करें, आंखों को मैलना नहीं है। टेल योर टीचर और पेरेंट्स यू कैन नॉट रीड व्हाट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर तुमको कभी ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ ना दिखे तो तुम सर को बोल दो कि सर हमको दिख नहीं रहा। फिर अगला है हमारा कान के बारे में। तो कान का काम क्या होता है, कान का काम क्या होता है, बोल दो पहले। पहले कान का काम क्या होता है, सुनना। और सुन के दिमाग को सिग्नल देना है क्या क्या आवाज आ रहा है। गुड। अपर लाइंस ईयर के बारे में, आवर ईयर हेल्प अस टू हियर साउंड, दे आल्सो एंट्री अस एनेबल अस टू कीप बैलेंस, the outer ear help us to release and receive and direct sound waves to the inner ear following. समझे मतलब कान क्या करता है, हमें सुनने में हेल्प करता है और हमारे शरीर को बैलेंस करता है। बस कैसे करें, never clean your ears with a pointed object like a match hairpin and match sticks, you may injure your drum. कभी भी कान को माचिस की तिल्ली से साफ ना करें, वो आपके कान के अंदर ईयर ड्रम होता है उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, जला देगा। हमारे कान में पतला सा चादर होता है, वो डैमेज हो जाएगा। समझी किससे, जब लोग काटी से या कील से या कोई जो माचिस की तिल्ली से जब क्या करते हैं कान में, लकड़ी करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। Use a dry towel to clean your ear. Do not let water enter the ear. समझी मतलब जब भी आपके कान में कोई गंदा घुस जाए तो सूखे हुए टॉवल से अपने कान को पोछे, ज्यादा काबिल ना बने, अपने कानों में पानी ना डाले। और ज्यादा दिक्कत हो रहा है आपको, कोई कान में कुछ बोलते हैं ना इरेक हो गया है, तो आप चुपचाप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। कान का चर्दा बहुत पतला होता है, हम जानते हैं कि कान का बीमारी का इलाज है, लेकिन कान का ड्रम एक बार डैमेज हो गया ना तो परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाओगे, मतलब परमानेंट तुम बहरे हो जाओगे, अब उसका इलाज नहीं है। तो लापरवाही करने से अच्छा ना है किसके पास चले जाओ, खुद डॉक्टर बनोगे, बनोगे तुम, तुम्हारा नाम तो खुल भी रखा है डॉक्टर रिचा, बन जाओगी। नोज से क्या, नाक का काम क्या होता है, सूंघना, और ये भी सेंस ऑर्गन का पार्ट है। नहीं, वेरी गुड। वी ब्रेथ एंड स्मेल थ्रू आवर नोज। आगे, द सेंस ऑफ टेस्ट एंड द सेंस ऑफ स्मेल आर लिंक्ड, मतलब टेस्ट का और सेंस का, मतलब सूंघने का और टेस्ट का दोनों आपस में क्या है, हम सूंघ कर या ये चाट करके खाना का टेस्ट, हाँ। देर आर मैनी नेवर एंडिंग, इसका कोई भी एंडिंग नहीं है। आगे पढ़ो पढ़ो, सेंसिटिव स्मेल, हमारा नाक का अपर पार्ट जो होता है जिसमें नाक में बाल होता है वो काफी तेज सेंस करता है। अब नाक का केयर कैसे करेंगे, पढ़ो। Keep your nose clean. Keep your nostril, nostril नाक ही होता है। By blowing your nose gently, अपना नाक को मेरा साफ रखना। और the hair inside the nose keep out dust that is permitting air to breathe through your nose. मतलब हमेशा hair the nose keep dust, जब भी बाहर से धूल आता है तो नाक का बाल में बहुत सारा गंदगी चिपक जाता है
उस गंदगी को हमेशा क्या करे, दूर साफ करते रहा करे, वरना जब सांस लोगे तो वही जो गंदा होगा वो शरीर के अंदर चला जाएगा। मतलब डू नॉट पिक योर नोज, अपना नोज को पिक मत करो, टच मत करो बार बार, गंदा बात होता है ना, नोज गंदा होता है। आगे जब भी आपका नाक जो होता है ना वो बंद हो जाए तो उस टाइम भाप लो, जानती हो ना किसका भाप लेते हैं, हाँ गुड। अब जीभ का क्या काम होता है, टेस्ट लेना, पढ़ो क्या है, द टंग इज मेन ऑर्गन्स ऑफ द टेस्ट एंड इनेबल अस टू स्पीक एंड द सरफेस ऑफ द टंग इज कवर्ड बाय द टाइनी बम्प्स एंड इनसाइड दिस बम्प्स सम सेल्स कॉल्ड टेस्ट बड एंड द नर्व्स एंडिंग इन द टेस्ट बड्स डिफेक्ट द फोर मेजर टेस्ट, स्वीट साल्टी टेस्टी सावर बाथ बेटर फूड टेस्ट बेटर व्हेन वी कैन स्मेल इट, ठीक है ना। एंड व्हेन कूल डाउन कोल्ड ब्लॉक्ड आवर नोज एंड डज नॉट टेस्ट सो गुड, क्या समझे, मतलब बोल रहा है कि हमें खाना का टेस्ट लेने के लिए नाक का खुला होना और जीभ का काम करना जरूरी है। मान लो कि नाक बंद है तो खाना का टेस्ट ले पाओगी, या मुंह बंद रखा नाक से टेस्ट ले लोगे, नहीं ना, दोनों ही जरूरी है, समझ में आ रहा है ना। बट जीभ के कारण ही हम लोग बोल नहीं पाते हैं। अब स्किन का काम क्या होता है, स्किन से हम लोग सेंस करते हैं। आगे पढ़ो स्किन क्या है, स्किन कार्ड में पढ़ो, कवरिंग बॉडी इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, वी कैन फील सेंसेशन टच हीट पेनफुल एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ स्किन, द पोर्स ऑफ द सरफेस स्किन अलाउ बॉडी वेस्ट टू द कम स्वेट। हमारे स्किन में बहुत सारे होल होते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वेस्ट या शरीर से बाहर वेस्ट निकलते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब स्किन का केयर कैसे करेंगे, पढ़ो तो, सोप एंड वाटर आर इनफ टू रिमूव डॉट एंड द स्वीट फ्रॉम द स्किन, मतलब कि हमारे स्किन से गंदगी निकालने के लिए साबुन और पानी काफ़ी है। ड्राई योर सेल्फ थ्रूली आफ्टर ब्रीदिंग एंड वाटर, वियर क्लीन कम्फर्टेबल क्लॉथ, क्लॉथ शुड बी लूज एंड फोर द पासिस एयर वैन द एयर वॉलर इट इट, मतलब व्हेन द वेदर इज वार्म, मतलब जब भी गर्मी होता है तब ढीले कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहनने से आपके शरीर में हवा लगेगी। एंड अ स्क्रैच और अ कट ऑन द स्किन शुड बी ट्रीटेड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन टू द प्रिवेंट इन्फेक्शन, और जब भी आपको इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे क्या लगाओ, बॉडी लोशन या फिर इन्फेक्शन वाला दवाई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्की बात 100% पक्का ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दो, क्या बोल रहा है, बोलो, नर्वस। पहला क्वेश्चन बोल क्या है, क्वेश्चन पढ़ जोर से, जोर से पढ़ो, जोर से, आराम से, कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें क्या कंसिस्ट है, मतलब नर्वस सिस्टम में क्या आता है, जो स्पाइनल कोड और क्या नर्व्स आता है, गुड, हमारा ब्रेन में ही पार्ट होता है। अगला क्या है, अ पर्सन माइट फेंट एंड हार्ट डज नॉट सेंड द ब्लड टू हिज, जब इंसान बहुत थकता है तो ब्रेन में क्या नहीं पहुंच पाता है, बताओ, ब्रेन मतलब कि किसमें जो होता है ब्लड नहीं पहुंच पाता है कहीं भी, वेरी गुड। अगला है व्हेन वी हैपन टू टच हॉट ऑब्जेक्ट, जब लोग किसी चीज को टच करते हैं तो क्या होता है, किसको सिग्नल मिलता है, हाँ गुड, टू क्लीन ब्लॉक्ड नोज वी इनहेल, अगर हम लोग गंदा नाक साफ नहीं करेंगे तो हम क्या इनहेल करेंगे, मतलब मान लो कि हमारा नाक ब्लॉक्ड हो जाए तो उस टाइम लोग क्या इनहेल करेंगे, क्या अंदर लेंगे,
वाटर वेपर, वाटर वेपर का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्टीम। लिख लो भाप कहते हो पंडित जी, लिख लो भाप। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या बोल रहा है? द सिस्टम डेट कंट्रोल अदर पार्ट, हमारे जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हाँ क्या होगा बोलो, तो आंसर क्या होगा इसका? False. मतलब क्या होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा क्या होगा? नर्वस सिस्टम। सेरेब्रम कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ मसल, सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम जो होता है वो मसल्स को कंट्रोल करता है। हाँ या ना? जोर से बोलो। नहीं। अरे सेरेब्रम मसल को ही कंट्रोल करता है गधी लड़की, अजीब हालत है। ठीक है सेरेब्रम। अगला क्या बोल रहा है हमारा? एक्शन कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड, हमारा शरीर का मैक्सिमम एक्शन जो होता है वो स्पाइनल कोड करता है। एक्शन मतलब कि रिस्पॉन्स। लिखो ट्रू। हमारा सेरेब्रम जो होता है वो सेंस करता है ब्रेन पार्ट को, तब तो हाँ सही है, ट्रू हो गया भी। मोटर नर्व्स जो है वो सेंस ऑर्गेन को ब्रेन से जोड़ता है। नहीं, वो सेंस ऑर्गेन जोड़ता है, सॉरी सेंस ऑर्गेन जो होता है वो सेंसरी पार्ट जुड़ा हुआ है, मोटर पार्ट जो होता है मसल से जुड़ा होता है। ऐसा क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है कि सिक्स है, फिफ्थ बोल रहा है। मोटर नर्व सिस्टम जो होता है वो सेंस ऑर्गन कंट्रोल करता है, तो ऐसा क्या आ जाएगा? अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर? प्यूपिल जो होता है वो ओपनिंग है क्या आई का? अरे ओपनिंग मतलब छेद होता है क्या? हाँ लिखो ट्रू। द ईयर इनेबल अस टू कीप आवर बैलेंस, कान से हमारा शरीर बैलेंस होता है क्या? तो हाँ सही बात है, हर एक बार से। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर।